नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा जोशी बोलती किताबें चैनल में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो बुक के बारे में हम सुनने जा रहे हैं उसकी अभी तक 3 करोड़ से अधिक कॉपीज बिक चुकी हैं और 2006 में यह सबसे ज़्यादा बिकने वाली सेल्फ हेल्प बुक थी। यह बुक रोंडा बर्न द्वारा लिखित द सीक्रेट बुक है। इस बुक में आकर्षण के नियम को बताया है। इस रहस्य को हम सबके सामने रोंडा बर्न ने 24 बेहतरीन टीचर्स के माध्यम से रखा है। ये टीचर्स इस वक्त दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में जैसे चिकित्सा, साइंस, आध्यात्मिकता, समाज सेवा, बिजनेस इत्यादि में काफ़ी सफल हैं। रोंडा बर्न ने पास्ट में जो लोग चले गए उनकी किताबें भी पढ़ी, लेकिन उन्होंने सोचा कि किताबी ज्ञान से भी ज़्यादा उन लोगों को ढूंढना ज़्यादा भरोसेमंद है जो अभी मौजूद हैं, और इस रहस्य को उन्होंने अपने जीवन में उतारा है। इस किताब के बारे में मैं दोस्तों आपको इतना ही बोलना चाहूँगी कि अगर आप आज 30 मिनट का समय नहीं निकाल पाए तो सफलता की, खुशियों की बहुत बड़ी चाबी मिस कर देंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप उन लोगों में से हैं जो पूरी बुक पढ़ना पसंद करते हैं तो यह बुक समरी आपके लिए है। आप में से जो लोग 20-25 मिनट नहीं सुनना चाहते हैं किसी बुक की समरी को, और या तो एक बार पूरा इसको सुनने के बाद में एक और स्पष्ट छोटी सी समरी चाहते हैं, तो इसी चैनल में मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने 5 मिनट में सीक्रेट बुक को समराइज करने का एक प्रयत्न किया है। आप अपनी इच्छा, मूड और टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से दोनों में से कोई भी वीडियो सुन सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस रहस्य को सुनने और उसे अपने जीवन में कैसे अप्लाई करना है ये सोचने में व्यस्त हो जाएं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी तक बोलती किताबें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी तुरंत सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करें, ताकि ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस YouTube में जगह जगह ढूंढने में आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको एक ही जगह ये सब चीज़ें मिल जाएँ। चलिए शुरू करते हैं। बुक की ऑथर रोंडा बर्न बताती है कि एक समय ऐसा भी आया कि मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बिखर गई थी। मेरे फादर की डेथ हो गई थी, काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, और साथ ही मेरे कलीग्स एंड रिलेटिव, इनसे भी मेरे रिलेशंस काफ़ी ख़राब चल रहे थे। ऐसे समय में मेरी बेटी ने एक दिन मुझे एक पुस्तक पढ़ने को दी, और इस पुस्तक में मुझे जीवन का, खुशियों का, अच्छे संबंधों का, धन का रहस्य पता चला। इसके बाद मैंने काफ़ी सर्च किया तो मुझे जानकारी मिली कि बहुत से महान लोगों को इस रहस्य का पहले से ही ज्ञात था, जैसे प्लूटो, गैलीलियो, बिथोवन, एडिसन, कार्नेगी, आइंस्टाइन। इन सब महान आविष्कारों, धर्मशास्त्रियों, वैज्ञानिकों, चिंतकों को यह रहस्य पहले से ही पता था। हैरानी से मैंने खुद को पूछा, हर इंसान को यह रहस्य क्यों नहीं पता है? इस रहस्य को दुनिया में सब लोगों तक पहुंचाने की मेरी इच्छा बढ़ने लगी तो मैं उन लोगों की खोज में जुट गई जो वर्तमान समय में हैं और जिनको इस रहस्य का ज्ञान है। और जैसा कि होता है, हम जिस चीज़ को दिल से ढूंढना शुरू करते हैं तो चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं, और मुझे अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट लोग मिलने लगे जो इस रहस्य को जानते थे। इनफैक्ट जानते ही नहीं थे, वे खुद के जीवन में और अपने प्रोफेशन के माध्यम से लोगों के जीवन में भी यह रहस्य को ला रहे थे, लोगों को भी यह सिखा रहे थे। दोस्तों, ये 24 टीचर्स जिनकी हेल्प रोंडा बर्न ने अपनी बुक में ली है, जिन्होंने अपने अपने फील्ड में इसको रहस्य को उतारा है, उनके नाम और उनके प्रोफेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अगर आपको जानने में इंटरेस्ट होगा तो आप प्लीज़ वहाँ पर चेक कर सकते हैं। चलिए इन सब के अनुभव व विचारों को इस बुक द सीक्रेट के माध्यम से जानते हैं। सीक्रेट रिवील्ड, रहस्य प्रकट होता है। क्या है यह रहस्य? आपके जीवन में जो कुछ भी चीज़ें आ रही हैं, आप खुद उन्हें अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं। रहस्य के बारे में बॉब प्रॉक्टर, जो एक दार्शनिक हैं, एक लेखक हैं, वो कहते हैं कि रहस्य से आपको अपनी हर मनचाही चीज़ मिल जाती है, खुशी, सेहत और दौलत। डॉक्टर जो विटाल, जो एक मेटाफिजिशियन हैं, मार्केटिंग विशेषज्ञ हैं और लेखक हैं, इस बुक में वो बताते हैं कि आप जो चाहिए वो पा सकते हैं, कर सकते हैं या बन सकते हैं। इसके अलावा जॉन आसारफ, जो इस बुक के टीचर हैं और अब अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलिंग लेखक, वक्ता और व्यावसायिक सलाहकार हैं, जॉन 25 साल से मानव मस्तिष्क, क्वांटम फिजिक्स और व्यावसायिक रणनीतियों पर शोध कर रहे हैं। वे रहस्य के बारे में बोलते हैं कि हम जिस चीज़ को पाने का चुनाव करें वो हम पा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह चीज़ कितनी बड़ी है।
आप किस तरीके के मकान में रहना चाहते हैं, क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं या आप किस तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं, क्या आप सफलता चाहते हैं। अहम सवाल यह है कि आप सचमुच क्या चाहते हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी चीज़ें आ रही हैं, आप खुद उन्हें अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, और ये ऐसा आपके मस्तिष्क के कारण हो रहा है। जो तस्वीरें आपके मस्तिष्क में हैं वो ही आपके जीवन में आ रही हैं, और यह आज का नियम नहीं है, समय के साथ हमेशा से यह रहा था और हमेशा से यह रहेगा। आकर्षण का नियम यह कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं, मतलब कि आप जब कोई विचार सोचते हैं तो आप उसी तरीके के अन्य विचारों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, या अच्छे और बुरे दोनों विचारों पर यह लागू होता है, इसीलिए बुरे के बजाय अच्छे को आकर्षित करें। समस्या यही है कि ज़्यादातर लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते हैं, और फिर इस बात पर हैरान है कि उनके साथ बार बार बुरी चीज़ें क्यों हो रही हैं। लोगों को उनकी मनचाही चीज़ें नहीं मिलने का एकमात्र कारण यह है कि वे इस बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते हैं, बजाय इसके कि वे क्या चाहते हैं। अपने विचारों पर गौर करें और अपने शब्दों को सुने। नियम शाश्वत है, गुरुत्वाकर्षण नियम जितना सत्य है यह नियम भी उतना ही सत्य है, और इसमें कहीं कोई चूक नहीं है। अगर कोई चूक है तो वह आपके विचारों में है। बॉब प्रॉक्टर इस पुस्तक में कहते हैं कि अगर आप आकर्षण के इस नियम को नहीं भी मानते हैं तो भी यह बदलने वाला नहीं है। आप बिजली के बारे में जानते हैं या नहीं, लेकिन उसका उपयोग डेली करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत काम की बात बताई है कि वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध हो चुका है कि सकारात्मक विचार पॉजिटिव थॉट्स नकारात्मक विचारों से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो चलिए खुद को प्रॉमिस करते हैं कि आज से सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही सोचेंगे। अपने मस्तिष्क पर विजय पाने का एक तरीका इन्होंने बताया है कि दिमाग को शांत रखना सीखना है, इसीलिए हर दिन मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। मेडिटेशन से विचारों पर नियंत्रण की एक अविश्वसनीय शक्ति मिलती है, इसीलिए हर दिन मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, मैं जल्दी ही ध्यान मेडिटेशन के टाइप्स, कौन सा मेडिटेशन हम डेली कर सकते हैं, इस पर एक वीडियो बनाने का प्रयत्न करूंगी। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, रहस्य का सरलीकरण, द सीक्रेट मेड सिंपल। मज़ेदार बात यह है कि रहस्य के कई शॉर्टकट्स हैं और आप कई शॉर्टकट्स अपने लिए चुन सकते हैं, बस आप सुनते जाइए। फ्रेंड्स, हमारे पास दो तरह की भावनाएं होती हैं, अच्छी भावनाएं और बुरी भावनाएं। हम दोनों के फ़र्क को जानते हैं क्योंकि अच्छी भावनाओं से अच्छा फील होता है और बुरी भावनाओं से बुरा फील होता है। चिंता, गुस्सा, डिप्रेशन, दूसरों के प्रति द्वेष, अपराध बोध, ये सब हमको बुरा फील करवाती हैं, तो ये सब बुरी भावनाएँ हैं। इसीलिए जब भी आप कुछ सोच रहे हैं तो तुरंत अपने को पूछें कि मैं इस समय कैसा महसूस कर रहा हूँ, मैं कौन सी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूँ, और फिर खुद को बताएं कि मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और अच्छी चीज़ों को आकर्षित कर रहा हूँ। बस इतना ही करें, करते रहें, हमेशा करते रहें, हर दिन करते रहें। इसीलिए बॉब डॉयल कह रहे हैं, आपको ठीक वही मिल रहा है जो आप महसूस कर रहे हो, वह नहीं मिल रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हो। प्रेम की ताकत को बताते हुए ऑथर कहते हैं, प्रेम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप हर वस्तु, हर व्यक्ति और अपने जीवन के हर विचार में प्रेम लाने की कोशिश करें तो जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। विचार व प्रेम का मिश्रण आकर्षण के नियम को बेहद शक्तिशाली बना देता है। अब हम ये तो जान चुके हैं कि रहस्य क्या है, अब हम आगे ये जानते हैं कि रहस्य का प्रयोग किया कैसे जाता है। आकर्षण के इस नियम को, इस रहस्य को अपने जीवन में कैसे उपयोग करें, इस विषय में इस पुस्तक में 3 स्टेप्स बताए गए हैं। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप है आस्क, मांगो। आप सचमुच जो चाहते हैं उसे लिख लें। इस तथ्य में बस एक ही बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको ये बहुत स्पष्ट रहना होगा कि आप सचमुच वास्तव में क्या चाहते हैं। अगर आप स्पष्ट नहीं हैं, थोड़े से भी कन्फ्यूज हैं, तो आकर्षण का नियम आपके लिए काम नहीं करता है। स्टेप नंबर 2, दूसरा कदम, यकीन करें। दोस्तों, यहाँ पर हम में से ज़्यादातर लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं, वे यकीन ही नहीं कर पाते हैं कि हर वो चीज़ पा सकते हैं जो वो पाना चाहते हैं। आपका यकीन, आपकी अटल आस्था ही आपको चीज़ें दिलाती हैं। स्टेप नंबर 3, रिसीव, पाएं। एक बार मांगें, फिर यकीन करें कि आप पा चुके हैं और उसे महसूस करें, और अंततः आपको वह चीज़ मिल ही जाती है।
बस एक बात ध्यान रखें कि महसूस इस तरीके से करना है जैसे मिलने के बाद आप महसूस करेंगे। यह सच्ची भावना इतनी तेज होती है कि मिल ही जाता है। इस पुस्तक के एक टीचर डॉक्टर विटाल बोलते हैं कि कई बार लोग मुझे पूछते हैं, यह कार, यह इतना पैसा, यह व्यक्ति, मुझे मिलने में कितना समय लगेगा। मेरे पास इसकी कोई रूल बुक नहीं है, कोई नियम पुस्तिका नहीं है। प्रकृति में ऑलरेडी वह पैसा, वह व्यक्ति मौजूद है। यह तो आपके और ब्रह्मांड के एक साथ जुड़ने का मामला है। इसके बाद वाले अध्याय में कुछ पावरफुल प्रोसेसेस के बारे में बताया है, कुछ सशक्त प्रतिक्रियाओं के बारे में बताया है, जिनसे हमको यह रहस्य को अपनाना और ईजी हो जाता है। इस चैप्टर में हमें दो पावरफुल टेक्निक्स बताई गई हैं। पहला, कृतज्ञ रहो, ग्रेटिट्यूड को अपनाओ, ग्रेटफुल रहो, थैंकफुल रहो। डॉक्टर विटाल बताते हैं आप इसी समय अपनी लाइफ का कायाकल्प ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो आप एक किताब व पेन लीजिए और उन चीज़ों की सूची बनाइए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, एहसानमंद हैं। दोस्तों, इससे हमारी ऊर्जा ही बदल जाती है और फिर हमारी सोच बदलने लगती है। इस अभ्यास से पहले आपका ध्यान इस बातों पर था कि लाइफ में क्या क्या नहीं है, शिकायतें और समस्याओं पर था, लेकिन इसके बाद आप अच्छा महसूस करने लगते हैं और अच्छा महसूस करते ही अच्छी चीज़ें उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। और यह रोज़ हर समय करने की आदत डालो जब तक यह खुद ब खुद आपकी जीवन शैली न बन जाए। दूसरी पावरफुल टेक्निक है विजुलाइजेशन, मानसिक तस्वीर देखने की सशक्त प्रक्रिया। विजुलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी महान उपदेशक व पुस्तकें सदियों से हमको बताती आ रही हैं। मानसिक तस्वीर की प्रक्रिया की प्रबल शक्ति का कारण यह है कि जब आप दिमाग में मनचाही चीज़ों के साथ तस्वीर उत्पन्न करते हैं तो आपके विचार भी वैसे हो जाते हैं और आप बहुत अच्छा फील करना स्टार्ट कर देते हो। और यह तो हम अभी तक समझ ही चुके हैं कि विचार व भावनाएं ही इस नियम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक बात ध्यान रखें, मानसिक तस्वीर देखते समय, विजुलाइजेशन करते समय आपका मस्तिष्क जब कल्पना करे तो सिर्फ अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करें। मतलब अगर आप कार चाहते हैं तो अभी आप पहले अपने हाथों को गौर से देखिए, अपने हाथों के नाखूनों को, हाथों की लंबाई को, हाथों के कलर को, हाथों की झुर्रियों को, सब चीज़ों को ध्यान से देखिए। फिर इन्हीं हाथों को अपने कार की स्टेयरिंग पर देखिए। इस मानसिक तस्वीर को हम लोग अगर भूल जाते हैं तो उसे कायम रखने के लिए एक टिप बताई जा रही है यहाँ पे। उदाहरण के लिए, आपको एक आदर्श किचन चाहिए तो उसकी मानसिक तस्वीर देखने के साथ आप यह कल्पना करो कि आप फ्रिज ओपन कर रहे हैं। फ्रिज ओपन करने के बाद आप पानी की एक ठंडी बोतल निकाल रहे हैं तो उस ठंडक को भी आप महसूस कीजिए। फिर आपने बोतल पकड़ी, फ्रिज का डोर क्लोज किया और आप वापस अपने रूम में आ गए। मतलब यह है कि यह मानसिक तस्वीर में इस तरीके के कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ भर लें कि वो चीज़ आप मिलने के बाद आप क्या क्या कर रहे हैं। अब इस अध्याय में हमको धन के रहस्य के बारे में बताया गया है। आपको जितने पैसे की ज़रूरत है या जितना पैसा आपको चाहिए, उतना पैसा अभी ब्रह्मांड में मौजूद है, उससे काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। अगर वह आपके पास नहीं है, इसका अर्थ है कि अभी तक हमारे विचारों में पैसे के प्रति वो स्पष्टता, वो आस्था, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया है। आप अपने विचार चेक करो कि कहीं आप इस तरीके के थॉट्स तो मन में नहीं सोच रहे हैं कि धन तो चाहिए पर इतना आएगा कहाँ से, मेरी सैलरी तो 20,000 ही है तो 1,00,000 होना बड़ा डिफ़िकल्ट है। पैसों की कमी के बजाय पैसों की प्रचुरता पर विचारों को लाइए। यह पता लगाना आपका काम नहीं है कि पैसा आपके पास कहाँ से आएगा। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप मांगें और यकीन रखें और फिर मिलने की खुशी महसूस करें। इस पुस्तक के टीचर जेम्स रे, जो कि कॉरपोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेते हैं सक्सेस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, वो बताते हैं कि लोग मुझसे अक्सर कहते हैं कि मैं अपनी आमदनी को दुगना करना चाहता हूँ, लेकिन उनके शब्द व उनके काम उसके ठीक विपरीत रहते हैं। आप जब उनके काम देखोगे तो वो ऐसे काम कर ही नहीं रहे होते हैं जिससे उनकी आमदनी दुगनी हो, और बोलते समय वो इस तरीके से बोलते हैं कि मैं इसका खर्चा नहीं उठा सकता हूँ। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि नतीजा क्या होगा। लॉरल लेंजमियर, जो लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं और कॉरपोरेट कोच हैं,
उनकी मदद से बहुत लोगों को उन्होंने मिलेनियर बनने में मदद कराई है। वे बताती हैं कि जब मैं मेरे सेमिनार व ट्रेनिंग प्रोग्राम में लोगों को यह सिखाती हूँ कि बचपन से जो मानसिकता आपने सीखी है, जैसे कि पैसा कमाने के लिए मुझे बहुत मेहनत व संघर्ष करना पड़ेगा या बदल दो, इसके बदले यह विचार रखो कि पैसा आसानी से और अक्सर मिलता है, तो लोग लेकिन मुझे यह बोलते हैं कि आप ऐसा कर सकती हैं, मैं नहीं। वे आगे बताती हैं कि मैंने देखा है कि वे ही ज़्यादा धन अपने जीवन में ला पाते हैं जिन्हें पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस व विश्वास होता है कि पैसा उनके पास आएगा ही आएगा। एक आदत बना लें, आप अपनी पसंद की हर चीज़ देखकर यह कहें कि मैं इसका खर्चा उठा सकता हूँ या उठा सकती हूँ, मैं इसे खरीद सकता हूँ। इस तरह आप अपनी सोच को धीरे धीरे बदल लेंगे और जब भी आप दान करते हैं तो अच्छा महसूस करें, इससे ब्रह्मांड को यह संकेत मिलता है कि आपके पास बहुत पैसा है। संबंधों का रहस्य। संबंधों के मामले में सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि हम खुद के बारे में क्या सोच रहे हैं, खुद के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। अगर आप खुद के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार नहीं करते हैं तो यही संदेश ब्रह्मांड में प्रसारित होगा। खुद को पूर्णता तक भर लें जब तक कि वह छलकने न लगे और आप देने की स्थिति में न आ जाएं। प्रेम हासिल करने के लिए पहले इसे अपने भीतर तक भरें। इस पुस्तक की एक टीचर लीसा निकोलस कहती हैं कि मैंने इस उम्मीद में कई संबंध बनाए कि मेरा पार्टनर मुझे मेरी सुंदरता दिखाएगा। यह उम्मीद दूसरों से क्यों, क्योंकि मैं खुद अपनी सुंदरता नहीं देख पा रही थी। मार्सी शिमोफ कहते हैं, संबंधों में हम शिकायत करने के आदि होते हैं। लेकिन जैसा हमने आज आकर्षण का नियम जाना तो हम समझ गए कि शिकायतें करने से वही चीज़ें फिर से रिपीट होंगी। इसके लिए उपाय बताते हैं कि आपके संबंध किसी से कितने भी खराब चल रहे हों, अगले 30 दिनों तक एक काम करें, एक कागज लें और उन सभी चीज़ों को लिखें जिनकी आप उस व्यक्ति में सराहना करते हैं। आप पाएंगे कि वही चीज़ें बढ़ती जाएंगी क्योंकि आप उन्हीं पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचने लगे हैं। यहाँ पर माइक डूली जो इस किताब के टीचर हैं, वो एक सच्ची कहानी जो उनके क्लाइंट की थी वो यहाँ पे बताते हैं। यह एक ऐसी महिला की कहानी है जो आदर्श जीवन साथी को आकर्षित करना चाहती थी। उसने सभी सही काम किए थे, उसके मन में स्पष्ट था कि उसका जीवन साथी कैसा होना चाहिए। उसने उसके सभी गुणों की विस्तृत सूची भी बना ली थी और वह अपने जीवन में उसकी मानसिक तस्वीर देखने की कल्पना भी कर रही थी। ये सभी काम करने के बावजूद आदर्श जीवन साथी का नामो निशान नहीं दिख रहा था। फिर एक दिन जब वह घर आकर अपने गैरेज के बीच में अपनी कार खड़ी कर रही थी तो उसे एहसास हुआ कि उसके काम, उसके एक्शन उसकी मनचाही चीज का विरोध कर रहे थे। अगर उसकी कार गैरेज के बीच में खड़ी है तो उसके आदर्श जीवन साथी की कार के लिए तो जगह ही नहीं बची है। उसके काम ब्रह्मांड से प्रबलता से कह रहे थे कि उसको यकीन नहीं है कि उसे मांगी हुई चीज़ मिलेगी, तो उसने तत्काल अपने गैरेज की सफाई कराई और अपनी कार एक तरफ पार्क की ताकि उसके आने वाले जीवन साथी के लिए कार की जगह मिल जाए। फिर उसने अपने बेडरूम में जाकर कपड़ों की आलमारी खोली जिसमें कपड़े ठसाठस भरे हुए थे। उसके जीवन साथी के कपड़ों के लिए जरा सी भी जगह नहीं थी। जगह बनाने के लिए उसे अपने कुछ कपड़े हटा दिए। माइक बोलते हैं कि इसके बाद जब वह उनको मिलने के लिए आई तब वह अपने आदर्श जीवन साथी के साथ में थी। इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि अगर आपने ब्रह्मांड से कुछ मांगा है, कुछ चाहा है, तो हमारी सोच के साथ साथ हमारे एक्शंस भी ऐसे ही होने चाहिए जैसे हमें वो चीज़ मिल चुकी है। मतलब आपका ट्रस्ट लेवल बहुत हाई होना चाहिए कि आपको वह चीज़ मिल ही गई है। सेहत, हेल्थ का रहस्य। डॉक्टर जॉन हेजलिन कहते हैं, हमारा शरीर दरअसल हमारे विचारों का ही परिणाम है। डॉक्टर बेन जॉनसन इस बारे में कहते हैं, हमारे पास हजारों बीमारियां हैं लेकिन वे सिर्फ एक कमज़ोर कड़ी हैं। सभी बीमारियां सिर्फ एक चीज़ के कारण होती हैं, वह है तनाव। अगर आप किसी कड़ी या किसी सिस्टम पर ज़्यादा दबाव या ज़्यादा तनाव डालते हैं तो वह कड़ी टूट जाती है। डॉक्टर जॉन डेमोर्टिनी आगे बताते हैं कि हमारा शारीरिक तंत्र हमें फीडबैक देने के लिए बीमारियां उत्पन्न करता है। वह चेतावनी दे रहा है कि हमारा दृष्टिकोण, हमारे एक्शन सही नहीं है या हम प्रेमपूर्ण और कृतज्ञ नहीं है, और हमें इनको समझकर पहचानकर उसी तरीके से ग्रेटफुल थॉट्स, ग्रेटफुल विचार अपना लेने चाहिए। डॉक्टर जॉनसन यह भी कहते हैं कि हम सभी में अंदरूनी एक मूलभूत प्रोग्रामिंग होती है जिसे हम आत्म उपचार कहते हैं।
आपने देखा रहेगा कि जब भी आपको कोई घाव होता है तो वह अपने आप ठीक हो जाता है। जब आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो प्रतिरोधक तंत्र उससे मुकाबला करके शरीर को ठीक कर देता है। विज्ञान यह साबित कर चुका है कि हमारा पूरा शरीर कुछ साल में बदल जाता है। फिर ऐसा क्यों है कि बीमारी आपके शरीर में सालों तक रहती है? क्योंकि रोगी का दिमाग बीमारी को लगातार देख रहा है, उस पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। शारीरिक तनाव हटा लें, इसके बाद शरीर वह काम करता है जिसको करने के लिए इसे बनाया गया है, या खुद अपना उपचार कर लेता है। आप सिर्फ पूर्णतः स्वस्थ शरीर की तस्वीर देखें और बीमारी का इलाज डॉक्टर पर छोड़ दें। सेहत के रहस्य के बारे में बताते हुए यहाँ पे कैथी गुडमैन नाम की एक महिला की व्यक्तिगत कहानी बताई गई है कि किस तरह 3 महीने तक रात दिन सिर्फ हंसते रहने की वजह से उसने अपना कैंसर तक ठीक कर लिया। कैथी कहती हैं कि मैंने दिन भर अपने को बोलना स्टार्ट किया कि मेरे उपचार के लिए धन्यवाद, और खुद को इस रूप में देखना स्टार्ट किया जैसे कैंसर मेरे शरीर में कभी था ही नहीं। इसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा कॉमेडी फिल्में देखने लगी। मैं बस हंसती थी और हंसते रहती थी, दिल खोलकर हंसती रहती थी। दोस्तों, लाफिंग थेरेपी के बारे में थोड़ा बहुत हम सब जानते ही हैं। इससे तनाव तुरंत ख़त्म हो जाता है क्योंकि इंसान एक समय में एक ही काम कर सकता है, तनाव या तो हंसना, दोनों एक समय में नहीं पॉसिबल है। तो आप तनाव को नहीं, हंसने को चुनिए और बस हंसते रहिए। इसके बाद संसार का रहस्य, द सीक्रेट टू वर्ल्ड। ब्रह्मांड का भंडार अनंत है। अब आप यह जान चुके हैं कि कोई चीज़ बाहर से उत्पन्न नहीं हो सकती है, हर चीज़ अंदर से सोचने से, महसूस करने से उत्पन्न हो रही है। आपके मस्तिष्क में हर चीज़ के सृजन की रचनात्मक शक्ति है। बस इसके लिए इस नियम को अप्लाई करना है कि आपको प्रचुरता, अबंडेंस के बारे में सोचना है, प्रचुरता देखनी है, प्रचुरता महसूस करनी है, कमी, लिमिटेशंस, सीमा के किसी भी विचार को अपने मस्तिष्क में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दें। ब्रह्मांड आकर्षण के इस नियम द्वारा सभी को सभी चीज़ें देता है। चुनाव आपके निर्णय और आपके यकीन पर निर्भर है। हर चीज़ जो आप चाहते हैं, खुशी, प्रेम, पैसा, आनंद, यहाँ सब चीज़ मौजूद है। बस आपको दृढ़ इच्छा व विश्वास जगाना है। नेक्स्ट टॉपिक, आपके लिए रहस्य, द सीक्रेट टू यू। पुस्तक की ऑथर कहती हैं, आकर्षण के इस नियम को खोजने के बाद मैं यह जानना चाहती थी कि क्या इस ज्ञान को विज्ञान और भौतिकी द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। जो मैंने पाया वह बेहद आश्चर्यजनक था। क्वांटम फिजिक्स व विज्ञान की खोजें रहस्य के पूर्णतः सामंजस्य में हैं, और इतिहास के सभी महान दार्शनिक उपदेशक इस रहस्य को, इस वैज्ञानिक प्रमाणिक स्वरूप को जानते भी थे। आइए मैं आपको बताती हूँ कि आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर कैसे हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो सारी ऊर्जा किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती है, वाइब्रेट होती है। ऊर्जा होने के कारण आप स्वयं भी एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं, और आपकी फ्रीक्वेंसी तय करने वाली यह चीज़ है आपके विचार। आप उस समय क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, यह विचार ही आपकी फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करता है। आप जिन चीज़ों को चाहते हैं वे भी चीज़ें ऊर्जा से बनी हुई हैं और वे भी वाइब्रेट कर रही हैं। जब आप मनचाही चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं तो आप उस चीज़ के परमाणुओं के कंपन को, वाइब्रेशन को बदल रहे होते हैं और अपनी ओर उनको बुला रहे होते हैं। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर इसीलिए भी हैं क्योंकि सिर्फ आपको ही अपने विचारों द्वारा अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति मिली हुई है। आपके लिए रहस्य, द सीक्रेट टू यू। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, इस बारे में एक पल सोचें, अपने हाथ की तरफ देखें। यह ठोस दिखाई देता है लेकिन यह दरअसल ठोस है नहीं। अगर आप इसे किसी अच्छे माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो आपको ऊर्जा की बहुत सारी तरंगें दिखेंगी। हर चीज सिर्फ ऊर्जा से बनी हुई है। फ्रेंड्स, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ इस बुक में बताई गई है, आप ध्यान देकर उसको समझने का प्रयत्न कीजिए। बहुत सारे महानतम लोगों ने बताया है कि सारा ज्ञान, सारी संभावनाएं, सारी खोजें और भविष्य में होने वाले भी सारे आविष्कार पहले से ही ब्रह्मांडीय मस्तिष्क में मौजूद हैं। बस वे मानवीय मस्तिष्क द्वारा बाहर निकाले जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। इसको हम एक सरल उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। ग्राहम बेल,
जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया, राइट ब्रदर्स जिन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया, या थॉमस एडिसन जिन्होंने बिजली का आविष्कार किया। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया लेकिन वो ऑलरेडी ब्रह्मांड में मौजूद था। सिर्फ अस्तित्व में आने के लिए किसी ह्यूमन ब्रेन के द्वारा फिजिकल फॉर्म में आने का इंतजार कर रहा था। हमारा मस्तिष्क ब्रह्मांडीय मस्तिष्क से अलग नहीं है। हमारी चेतना और ब्रह्मांड की चेतना एक ही है, अलग नहीं है। इस किताब के सारे टीचर्स एक बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि आप अपना अतीत नहीं है, आपके हाथ में पेन है और आप जो लिखेंगे वह आप हैं। अब यह टोटली आप पर निर्भर करता है कि आप क्या लिखते हैं। यह नियम आपके लिए क्या कर सकता है इसकी कोई सीमा नहीं है, बस आप यकीन करने की हिम्मत करें। दोस्तों, इस पुस्तक के अंतिम अध्याय जीवन का रहस्य में एक अंतर्राष्ट्रीय स्पीकर नील डोनाल्ड कहते हैं, आसमान में ऐसा कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है जिस पर ईश्वर ने आपके जीवन का उद्देश्य व मिशन लिखा हो। ईश्वर या ब्रह्मांड यह तय नहीं करते कि आपको क्या चाहिए, वह सिर्फ वह देते हैं जो आपको चाहिए। डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या चाहिए, और डिसाइड करने का टूल भी ईश्वर और ब्रह्मांड ने आपको दिया है आपके विचारों के रूप में। तो दोस्तों, यहाँ पर यह पुस्तक समाप्त होती है। अगर कुछ सीमित शब्दों में हम इस पुस्तक की समरी निकालें तो वह यह है कि इस ब्रह्मांड में हर वो चीज़ मौजूद है जो आपको चाहिए, चाहे वह खुशी हो, चाहे वह पैसा हो, चाहे वह अच्छे संबंध हो, कुछ भी, वह सब यहाँ पे मौजूद है। बस मिलता उसी को है जिसको जुनून से, विश्वास से, अटूट आस्था के साथ में मांगना आता है। दोस्तों, सिर्फ ज्ञान ही नहीं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से यह बुक भरी है कि किस तरह आप अपने विचारों का, भावनाओं का इस्तेमाल करके मनचाही चीज़ें हासिल कर सकते हैं। जो लोग साइंस के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं उनके लिए भी इसमें बताया गया है कि हर चीज़ एनर्जी से बनी हुई है, चाहे हम या चाहे वो चीज़ें जिनको हम पाना चाहते हैं। अब ये दोनों की फ्रिक्वेंसी और उस वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है, और सबसे अच्छी बात, यह फ्रीक्वेंसी डिसाइड करने वाली पावरफुल चीज़ हमारे थॉट्स व हमारी फीलिंग्स भी हमारे ही पास हैं। तो दोस्तों, आज से प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, गुड हेल्थ के विचार हर समय सोचना स्टार्ट कर दीजिए। मैं जानती हूँ आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि हम सब अच्छा ही तो सोचते हैं, कौन ऐसा है जो अपने लिए बुरा सोचता है। इसके जवाब में मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप खुद के लिए अपने जीवन में अच्छा चाहते हैं, लेकिन ज़रा देखिए आपके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या जो आप चाहते हैं वही आप सोच रहे हैं? और अगर सोच भी रहे हैं तो क्या आप वही महसूस कर रहे हैं और उस पर यकीन कर रहे हैं? दोस्तों, मुझे उम्मीद है दुनिया भर में मशहूर यह पुस्तक द सीक्रेट आपको पसंद आई होगी, तो आप इसे अपने जीवन में ज़रूर अप्लाई कीजिए। और अगर आपको यह पसंद आई होगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और लोगों के साथ शेयर करके मेरा उत्साह ज़रूर बढ़ाइए। थैंक यू।